वेलकम बैक गाइस। हम सब जानते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, लेकिन जिनमें से भाई मेगा एवोल्यूशन की बात करें तो वो कुछ स्पेशल लेजेंडरीज को ही मिला है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखने वाले कुछ मस्त मस्त लेजेंडरी पोकेमॉन्स के लिए और मिथिकल पोकेमॉन्स के लिए मेगा एवोल्यूशन। तो हाँ, इस वीडियो में लेजेंडरी और मिथिकल दोनों इंक्लूडेड है। मैं तुमको उनके फैन मेड मेगा एवोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उससे पहले अगर तुमने सेकंड चैनल की वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखो, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन की लिंक से। इसके अलावा जिनके भी ये फैन आर्ट है उनके क्रेडिट भी भाई उनको जाता है पूरा पूरा। बाकी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं म्यूटू पर। अब म्यूटू के पास एक नहीं भाई, दो दो मेगा एवोल्यूशन ऑलरेडी है, मेगा म्यूटू वाई और मेगा म्यूटू एक्स। लेकिन फिर भी यार इसके लिए भी मैंने सोचा एक नया बेटर मिल सकता है और मेरे को ये मिला। ये काफी हद तक सिमिलर लग रहा है मेगा म्यूटू वाई से, लेकिन एक्चुअली उसका बेटर वर्जन लग रहा है। अगर तुम देखो ना तो ये मेगा म्यूटू वाई से ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे तो भाई, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये वाला। तो हाँ भाई, मेगा म्यूटू के लिए ये वाला ज्यादा मस्त है। इसके अलावा एक और आर्ट है, तुम ये वाला भी देख सकते हो। ये वाला म्यूटू भी काफी अच्छा है। तुम लोग बताना यार तुमको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया। मेरे को वैसे पहले वाला ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट आता है म्यू। मुझे पता है म्यू मिथिकल पोकेमॉन है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने मिथिकल्स को भी इंक्लूड किया है, तो हाँ ये रहा म्यू का मेगा एवोल्यूशन। मुझे तो पर्सनली ये वाला मेगा एवोल्यूशन काफी पसंद आया और काफी यूनिक टाइप का है भाई। ये जो रिंग्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है काफी मस्त लग रहा है। फिर आता है अपना कैंटो का लेजेंडरी ट्रायो। यहाँ पे भाई इन तीनों का ही एक साथ किसी ने फैन आर्ट बनाया है, तो हाँ ये वाला भी बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पे आर्टिकुनो का मेगा एवोल्यूशन है, ज़ैपडोस का है और मोल्ट्रेस का है। तीनों का ही बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है भाई, बहुत मस्त है। नेक्स्ट आता है रायको। यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये वाला डिजाइन तो मैं कह सकता हूँ आराम से पूरी वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट है यार। डिजाइन में अगर ब्लैक कलर ऐड किया जाए तो वो सही में बेस्ट बन जाता है यार, बिल्कुल। यहाँ पे फिर आता है सुईकुन। सुईकुन वाला भी मुझे काफी पसंद आ रहा है भाई, देख सकते हो बहुत ज्यादा मस्त बनाया है। नेक्स्ट आता है एंटे। एंटे का मेगा एवोल्यूशन भी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला डिजाइन भी काफी अच्छा है। मतलब ये तो पूरे ट्रायो के लिए भाई एक से एक मेगा एवोल्यूशन है। देन यहाँ पे आता है लूगिया। लूगिया का मेगा एवोल्यूशन तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला डिजाइन मतलब काफी खतरनाक लग रहा है। और सही में ये तो देखा जाए ना तो मुझे ईविल टाइप का ज्यादा लग रहा है भाई, मतलब देख सकते हो कितना खतरनाक सा है। और यहाँ पे फिर आता है हो के लिए डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला डिजाइन देख सकते हो काफी मस्त बनाया है। नेक्स्ट आता है ग्राउडॉन। ग्राउडॉन पे जो स्पाइक्स लगाए ना भाई, इसकी वजह से इसका डिजाइन एक्चुअली और भी ज्यादा खतरनाक बन गया है। और ये प्राइमल ग्राउडॉन से भी थोड़ा सा डिजाइन लिया गया है। तो हाँ, जो भी है ओवरऑल ये मिक्सचर भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और हाँ, मेगा एवोल्यूशन की तरह ये दिखा सकते हैं हम लोग, मतलब काफी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट आता है कायोगरे का मेगा एवोल्यूशन। ये वाला भी यार एक्चुअली काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई, सही में ऑफिशियल रहना चाहिए था भाई ऐसा कुछ डिजाइन भाई, बहुत मस्त लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफी सही यूज किया गया है, ओवरऑल बहुत मस्त मेगा एवोल्यूशन है। फिर आता है लेजेंडरी टाइटन्स का मास्टर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रेजिगिगस के बारे में। इसका मेगा एवोल्यूशन भी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका भी काफी बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पर रेजी स्टील, रेजी आइस उन सबको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हाँ रेजिगिगस को किया है और इसका ये वाला काफी मस्त लग रहा है। नेक्स्ट आता है मेगा रक्वेजा। हम सब जानते हैं ऑलरेडी भाई मेगा एवोल्यूशन है रक्वेजा के पास ऑफिशियली, और उसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है। लेकिन फिर भी यार यहाँ पे फैन मेड वाला तुम ये देख सकते हो, ये कितना मस्त डिजाइन बनाया है यार, सही में ये जो हेयरी डिजाइन है ना भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा एक्चुअली रक्वेजा का एक और डिजाइन मेरे को मिला जो कि था ये वाला भी काफी अच्छा बनाया हुआ है। दोनों ही एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे को पहले जो हेयरी वाला डिजाइन है ना ये ज्यादा पसंद आया। तुमको कौन सा आया कमेंट के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट आता है लेक गार्डियन ट्रायो। हम सब जानते हैं ये ट्रायो कितना ज्यादा मस्त है। तो यहाँ पे भाई ये जो एजेल्फ है ना, इसके लिए मेरे को एक वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन मिला है। तुम देख सकते हो यहाँ पे इसका ये जो डिजाइन है कितना ज्यादा मस्त है। और बाकी दोनों के लिए मेरे को स्पेसिफिकली अच्छा डिजाइन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इस वाला डिजाइन में तुम देख सकते हो तीनों का डिजाइन दिखाया गया है हमको, तीनों का मेगा फॉर्म। और तीनों के मेगा फॉर्म भाई बहुत ज्यादा ओपी लग रहे हैं, सही में तीनों का भाई बहुत मस्त बनाया है। नेक्स्ट आता है डियाल्गा। हम सब जानते हैं डियाल्गा वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स में से एक है भाई, बहुत मस्त है यार डियाल्गा सही में। तो अब डियाल्गा के लिए मेगा फॉर्म ये देख सकते हो तुम लोग, ये वाला भाई बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, इसका मेगा फॉर्म काफी ओपी बनाया है। इसके अलावा एक और है, तुम ये वाला भी देख सकते हो, ये वाला मेगा फॉर्म भी इसका बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। तुमको दोनों में से कौन सा ज्यादा परफेक्ट लग रहा है कि कौन सा भाई रहना चाहिए डियाल्गा के लिए, वो तुम कमेंट में बता सकते हो। मुझे सेकंड वाला ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट आता है पालकिया। पालकिया के लिए तो भाई डिजाइन तुम देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, मतलब इतने ज्यादा भी इस पे चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर ऐड किया गया है ना भाई, ये एक जो चीज है ये बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। मतलब मेगा एवोल्यूशन भाई इसका नेक्स्ट लेवल लग रहा है, सिर्फ इस वजह से भाई मेरे को ये वाला डिजाइन बहुत मस्त लगा, वन ऑफ द बेस्ट लगा। तुम भी बता सकते हो तुमको पसंद आया या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है ग्रेटिना। ग्रेटिना का पर्सनली जो मेरे को डिजाइन है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और इसका ये जो मेगा फॉर्म वाला है भाई ये भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। मतलब ये जो डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में रहता है उससे निकलता हुआ इसको दिखाया गया है, और इसके इतने सारे हाथ हैं भाई, ये वाली चीज बहुत मस्त बनाई है इसके अंदर। तो हाँ ओवरऑल भाई बहुत ही ज्यादा गजब लग रहा है इसका मेगा एवोल्यूशन। नेक्स्ट आती है क्रिसेलिया। क्रिसेलिया के डिजाइन में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जितना भी है वो काफी अच्छा खासा डिफरेंस दिखाया है और काफी बढ़िया सा लग रहा है भाई मेरे को। तो ये वाला डिजाइन भी अच्छा है, मतलब कह सकते हैं बढ़िया है बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट आता है डार्कराय। डार्कराय भाई जाना जाता है अपनी इविलनेस के लिए, और जितना वो खतरनाक टाइप का उसका डिजाइन है तो वैसा ही यहाँ पे इसका मेगा फॉर्म भी है। तुम देख सकते हो मेगा फॉर्म में भी इसकी इविलनेस बिल्कुल कम नहीं हुई, मतलब जैसा है वैसा ही दिख रहा है। और एक्चुअली मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल से भाई ज़्यादा बेटर लग रहा है, मतलब ऑफिशियल है तो नहीं लेकिन अगर बनेगा ना उससे तब भी बेटर रहेगा भाई ये, क्योंकि फैंस काफ़ी बार यार मतलब ऑफिशियल से ज़्यादा अच्छा बना देते हैं और ये गारंटी से भाई बहुत मस्त लग रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ अगर कभी ऑफिशियल मेगा एवोल्यूशन आए डार्कराय के लिए तो भाई वो बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए यार, एकदम बेस्ट है ये। तो नेक्स्ट आता है मेगा आरसीएस। अब आरसीएस के मेगा एवोल्यूशन का तो भाई कितने लोग वेट कर रहे हैं, क्या ही बात करें, मतलब सब लोग चाहते हैं कि यार पोकेमोन वाले आरसीएस को मेगा एवोल्यूशन दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते भाई, नहीं देते उसको मेगा फॉर्म। जबकि भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो फैन वेट्स भाई इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं फैन ने, यानी कि इतने अच्छे अच्छे मेगा एवोल्यूशन दिए हैं भाई आरसीएस को, जिनमें से ये एक है। और हम कह सकते हैं मतलब आरसीएस के जितने भी डिजाइन है ना उनमें से वन ऑफ द बेस्ट तो यही है भाई, सबसे बेस्ट एक्चुअली हम कह सकते हैं। इसमें भाई इतना खतरनाक दिखाया है आरसीएस को, मतलब बहुत ज़्यादा ओपी दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है हीट्रैन। हीट्रैन वैसे मुझे कभी भी उतना अच्छा नहीं लगा लेजेंडरी पोकेमॉन, लेकिन हाँ इसका मेगा एवोल्यूशन अगर ऐसा रहेगा ना तो भाई डेफिनेटली वो मेरा फेवरेट बन सकता है, क्योंकि भाई मेगा एवोल्यूशन तो इसका बहुत ज़्यादा मस्त बना है। नेक्स्ट आता है जैक्रोम का मेगा एवोल्यूशन। जैक्रोम का यार मुझे कोई भी मेगा एवोल्यूशन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, एक ये है जो कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ उतना भी बढ़िया नहीं है यार इसका मेगा एवोल्यूशन, मतलब ठीक ठाक ही है। मुझे लगता नहीं है कि जैक्रोम के लिए ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाया जा सकता है मेगा फॉर्म में। नेक्स्ट आता है मेगा रेशिरम। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ मेगा जैक्रोम के कंपैरिजन में ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, और टाइपिंग तो इसकी वही है भाई ड्रैगन और फायर, काफ़ी मस्त लग रही है और भाई डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त लग रहा है। नेक्स्ट आता है येवेल्टल। येवेल्टल यार मेरा हमेशा से एकदम फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन रहा है, मतलब फेवरेट में से एक रहा है, क्योंकि इसका जो भाई डिज़ाइन है ना इतने डार्क थीम पे बनाया है पोकेमॉन वालों ने, उतना खतरनाक सा बनाया है कि भाई इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका मेगा फॉर्म भी देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया है पोकेमॉन फैंस ने, और भाई मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट आता है जेमेजेंटा पोकेमॉन। जेमेजेंटा के लिए यहाँ पे तुम देख सकते हो मैक्स एक्स नाम का एक चैनल है, उसने भाई दो फैन आर्ट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे एक है मेगा एक्स वाला और एक मेगा वाई वाला। मेगा एक्स वाला तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, उसमें इसकी टाइपिंग फाइटिंग और डार्क है, और मेगा वाई वाला भी मतलब हाँ अच्छा है हम लोग कह सकते हैं, उसमें शील्ड और भी खतरनाक हो गई है और वहाँ पर भी टाइपिंग अलग है। तो हाँ मेगा एक्स और वाई वाला मेरे को दोनों ही काफ़ी पसंद है, तुमको कौन सा वाला ज़्यादा सही लग रहा है? मेरे को एक्चुअली यहाँ पे एक्स वाला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। नेक्स्ट आता है उर्शिफू पोकेमॉन का डिज़ाइन। यहाँ पे तुम देख सकते हो उर्शिफू के लिए तो भाई मैं कह सकता हूँ यार बहुत ही ज़्यादा मस्त बना है सही में, और इसकी टाइपिंग इसमें है फाइटिंग और इलेक्ट्रिक टाइप, जो कि हाँ काफ़ी अच्छी टाइपिंग लग रही है। और यहाँ पे तुम देखो यार मतलब डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा गजब बनाया है फैन ने, ऐसा ऑफिशियल आना चाहिए यार, मतलब इसका मेगा फॉर्म एक्चुअली आना चाहिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। इसमें इसको यार एक्चुअली एक कपड़े टाइप कुछ पहनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा मस्त डिज़ाइन बनाया है। नेक्स्ट आता है सोलगैलियो पोकेमॉन। सोलगैलियो का डिज़ाइन भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है भाई सारे लेजेंडरी में से, मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है उसका। तो हाँ इसके मेगा फॉर्म के लिए भी इसने डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया है। तो हाँ आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही डिज़ाइन थे। अगर तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट टू लाऊं जिसमें मैं थोड़े और भी लेजेंडरी और मिथिकल के डिज़ाइन तुम लोग को दिखाऊं, तो हाँ तुम कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक बताओ पूरी वीडियो में सबसे बेस्ट डिज़ाइन कौन सा लगा। बाय बाय।